मैं बात करने वाला हूँ टर्बुलेंस के बारे में। मेरे पिछले वीडियोस में टर्बुलेंस वर्ड का इस्तेमाल किया था लेकिन इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, तो आज इस वीडियो में टर्बुलेंस के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे एरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। टर्बुलेंस एक तरह का लिक्विड फ्लो होता है जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक क्रिएट हो जाता है। जब भी फ्लूइड फ्लो पैरेलल लेयर्स में ट्रेवल करता है तो टर्बुलेंस फॉर्म हो जाता है। तो अब देखते हैं टर्बुलेंस की कुछ टाइप्स के बारे में। फर्स्ट, क्लियर एयर टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस तब होता है जब फ्लाइट के समय कोई भी क्लाउड नहीं होता। ये टर्बुलेंस सिर्फ 15,000 फीट के अबो अल्टीट्यूड पर होता है क्योंकि वहां पर क्लाउड्स नहीं होते। इस टर्बुलेंस को राडार से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, वेक टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट के पीछे क्रिएट हुआ डिस्टरबेंस की वजह से होता है और इसमें विंग टिप वर्टिसेस भी इंक्लूडेड है। ये विंग टिप वर्टिसेस एयरक्राफ्ट को लिफ्ट जनरेट करने से क्रिएट हो जाता है। जब विंग का लोअर विंग प्रेशर रोटेट होकर ऊपर आ जाता है तो विंग टिप वर्टिसेस फॉर्म हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली रोटेट होने की वजह से हाई वर्टिसेस फॉर्म हो जाता है। थर्ड, थंडरस्टॉर्म। इस थंडरस्टॉर्म को लाइटनिंग स्टॉर्म भी कहते हैं और ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से क्रिएट हो जाता है। यूजुअली ये थंडरस्टॉर्म हाई विंड और हेवी रेन की वजह से क्रिएट होता है। इस टर्बुलेंस पे ज्यादातर एयरक्राफ्ट ट्रेवल नहीं करते हैं, ये डेंजरस भी हो सकता है। फोर्थ, थर्मल टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस ग्राउंड सरफेस हीट होने की वजह से फॉर्म हो जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ग्राउंड से हॉट एयर ऊपर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और ये हीटेड एयर एयरक्राफ्ट को टच हो जाता है, तो इसे थर्मल टर्बुलेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये था टर्बुलेंस और इसके कुछ टाइप्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।